इनर व्हील क्लब के पदाधिकारियों ने एक अनूठी पहल की है और इस पहल के तहत किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने उनकी सहायता की जा रही है। शुरुआती दौर में प्रियदर्शनी परिसर सुपेला में एक स्वल्पाहार केंद्र का निर्माण कराकर इन्हें सौंपा गया है, जिससे वे अपना जीवन यापन मेहनत करके कर सके। किन्नर समाज आज भी समाज से उपेक्षित माना जाता है और इन्हें देखते ही लोग इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं, जिस वजह से इन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए कई तरह के गलत काम भी करने पड़ते हैं। परंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सामाजिक संस्था ने आगे आकर इनका हाथ थामा है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनर व्हील क्लब दुर्ग की, जिन्होंने किन्नर समाज के उत्थान के लिए एक अनूठी पहल करते हुए प्रियदर्शनी परिसर सुपेला में नगर पालिक निगम भिलाई के सहयोग से एक स्वल्पाहार केंद्र उड़ान का निर्माण किया है और उसे कंचन सेंद्रे नाम की किन्नर को संचालन हेतु समर्पित किया है। इस अनूठी पहल से पूरे किन्नर समाज में खुशी की लहर है कि कोई तो रहनुमा आया जिन्होंने उनकी रहनुमाई करके उनके जीवन शैली को बदलने का प्रयास किया। ये जो शॉप है इनर व्हील क्लब दुर्ग के द्वारा थर्ड जेंडर के लिए एक सुव्यवस्थित दुकान की व्यवस्था की गई है, जिसमें चाय कॉफ़ी और नाश्ते का हम लोगों ने संचालन किया हुआ है। और ये पहली बार है पूरे प्रदेश में कि इनर व्हील क्लब और प्राइवेट जो एनजीओस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो थर्ड जेंडर के लिए आगे आए हैं। जैसा कि हम लगातार शासन के साथ पे एडवोकेसी करते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि जो ये तृतीयलिंग समुदाय है ये समाज की मुख्य धारा पे आए, और ये पहली बार एक इनर व्हील क्लब के माध्यम से ये संभव हो पाया है कि आज जो थर्ड जेंडर है वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और समाज की मुख्य धारा पे जुड़ रहे हैं। जनरली देखा गया है कि थर्ड जेंडर्स जो समाज की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लोग जो है, आम लोग जो है, थोड़ा दूरी बना के रखना पसंद करते हैं। क्या लगता है कि इस दुकान का संचालन किस तरह से आप करेंगे कि लोग आपके पास आए, या जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे एक स्त्री और पुरुष होते हैं, वैसे ही थर्ड जेंडर है। थर्ड जेंडर कोई अलग नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे आए और इस कॉफ़ी सेंटर पे अपना टाइम एक्सपेंड करें, चाय पी के जाएँ, क्योंकि ये अलग कोई महिला पुरुष और थर्ड जेंडर जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब से हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और काफ़ी लोगों ने तारीफ भी किया है इस चीज़ों को। और मुझे लगता है कि अगर ये जो दुकान है ये अगर चलता है, तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ पे और भी जो जिले हैं, और भी जो संभाग हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे इस तरीके का काम किया जाएगा। कंचन सेंद्रे, सदस्य तृप्तिलिंग कल्याणपुर, छत्तीसगढ़ शासन। इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह ऐसे जनहित के कार्य वर्चस्व बनाने के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि किन्नर समाज जो आज भी दबा कुचला है उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर प्रयास मुक बधिरशाला के प्राचार्य भी उपस्थित थे और उन्होंने इनर व्हील क्लब को ढेरों बधाइयां दी। मैं राजेश कुमार पांडे, प्राचार्य प्रयास विकलांग संस्थान भिलाई। ये जो थर्ड जेंडर के लिए इनर व्हील क्लब और उनके जो पदाधिकारी हैं, ये जो सहयोग कर रहे हैं थर्ड जेंडर को, इन्होंने पूरा ऑन मालिक बना के उनको बिठाया, ना कि अपना अंडर में कर्मचारी है। तो ये बहुत अच्छा पहल है, उनको खुद अनुभव होगा कि इस तरीके से समाज में जुड़ने से उनको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और उसको स्वयं हल कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा पहल है। मैं चाहूँगा कि इस तरीके से और भी जो संस्थाएँ हैं वो आगे आके इन थर्ड जेंडरों को आगे करें, जिनसे वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अच्छा कार्य कर सके और समाज में सहयोग कर सके। वो यहाँ के तिरस्कृत नहीं हैं, वो हमारे एक अंग हैं। हमें भी उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए और उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किन्नर समाज के उत्थान के लिए कोई सामाजिक संस्था सामने आई है, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि अब शायद किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए अन्य सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य संगठनों को भी सामने आना होगा और अपना सहयोग इस अनूठी पहल में देना होगा। ग्रेड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।